हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाँ, चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपका लिमिट स्टार्ट किया था और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था लिमिट पर, बताया था कि लिमिट का कंसेप्ट कैसे जनरेट हुए हैं, है ना? इसके बाद आपको मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म समझाई थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म अपन क्यों बोलते हैं। जैसे कुछ बच्चों को एक बेसिक सा डाउट आता है, इन्फिनिटी की पावर जीरो का सर इंडिटरमिनेट लेते हैं, लेकिन क्या जीरो की बार इन्फिनिटी को इंडिटरमिनेट बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो इसको एक छोटी सी सिचुएशन लेके मैंने समझाया था और आगे भी इस तरह के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाद मैंने आपको RHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सिखाया था और ये भी बताया था कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, उसके लिए कंडीशन क्या है और लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है। और इस पूरे लेक्चर को इंक्लूड करते मैंने कुछ फंडामेंटल बेसिक सी प्रॉब्लम्स आपको कराई थी, प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है ना? अब उसी लेक्चर को हम आगे यहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले लेक्चर को देख लें और उसको अच्छे से पढ़ लें, है ना? और अपन यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट हेडिंग डाल दीजिए, आप लोग नोट करते रहिए। वन साइडेड लिमिट, है ना? हेडिंग मैंने क्या डाली है यहां पर? वन साइडेड लिमिट। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे कि पॉइंट के दोनों तरफ से अटैक करते थे। जैसे x गोज टू 2 पर हमें लिमिट सॉल्व करनी है, तो अपन क्या करते थे, 2 के राइट से भी अटैक करते थे, 2 के लेफ्ट से भी अटैक करते थे, RHL भी निकालते थे, LHL भी निकालते थे, और अगर दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल आती थी तो हम लोग बोलते थे लिमिट का आंसर वही है, है ना? लेकिन अब यहां पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ, वन साइडेड लिमिट, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहां पर हम दो तरफ से अटैक नहीं करते, केवल और केवल एक ही तरफ से अटैक करते हैं, और जो वन साइडेड लिमिट आती है वही क्वेश्चन का आंसर होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हम एक साइड से अटैक करते हैं और कौन सी सिचुएशन में दोनों साइड से अटैक किया जाता है। तो चलिए नोट पे लिखिए आप लोग, मैं लिखाता हूं। इन सम केसेस when the graph of the function is only available to the वन साइड ऑफ ए गिवन पॉइंट, देन इन दैट केस वी कैलकुलेट ओनली वन साइडेड लिमिट। तो यहां पर बोर्ड पे मैंने ये लिखा हुआ है, इन सम केसेस व्हेन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ओनली अवेलेबल टू द वन साइड ऑफ अ गिवन पॉइंट, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ग्राफ जो होता है वो गिवन पॉइंट के केवल और केवल एक ही साइड में अवेलेबल होता है, दोनों साइड में अवेलेबल नहीं होता है, देन इन दैट केस वी कैलकुलेट ओनली वन साइडेड लिमिट, है ना? यानी जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालनी है, अगर फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट के केवल एक ही साइड में अवेलेबल है, या तो राइट साइड में अवेलेबल है या फिर लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में अवेलेबल नहीं है, केवल एक ही साइड में अवेलेबल है, तो हम लोग उन केसेस में केवल और केवल वन साइडेड लिमिट ही कैलकुलेट करेंगे। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना? नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे समझने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा फील अच्छी रहेगी। पहला क्वेश्चन लिख लिया मैंने, कैलकुलेट लिमिट x गोज टू 0 रूट x, ये लिमिट सॉल्व करनी है आपको,
लिमिट एक्स गोज टू जीरो रूट एक्स है ना। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जैसे ये लिमिट मेरे को सॉल्व करनी है तो ये वाली लिमिट वन साइडेड लिमिट है या फिर टू साइडेड, मतलब अटैक जीरो के किस साइड से होगा, दोनों साइड से होगा या फिर केवल एक साइड से होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे पूछता हूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रूट एक्स। तो यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन केवल तभी डिफाइंड होता है जब इनपुट कैसा हो, नॉन निगेटिव हो, है ना। एज फॉर एज डोमेन इज कंसर्न, डोमेन इज व्हाट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। इट मीन्स अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें, आपसे क्या इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ किन एक्स के लिए प्लॉट होगा, जीरो और जीरो से आगे, जीरो के पीछे ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा। बना लेते ग्राफ, तो जीरो का रूट जीरो होता है, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर, यानी जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएंगे रूट एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, नेचर कैसा आएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, y इक्वल टू रूट एक्स, इसकी कॉन्केविटी कैसी आती है, डाउनवर्ड, है ना। तो जैसा कि मैं यहां पर ग्राफ को देख पा रहा हूं, ग्राफ जो है वो जीरो के सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में अवेलेबल है ना, लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहा है कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं है। तो जीरो पे अगर अटैक करना है तो सिर्फ और सिर्फ किधर से अटैक होगा, राइट साइड से अटैक होगा, जीरो के राइट से जीरो पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में कोई नेटवर्क नहीं है, तो जीरो के लेफ्ट से अटैक करना पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो देखिए यहां पर मुझे लिमिट निकालने को बोला गया था, तो अंडरस्टूड है कि अटैक सिर्फ और सिर्फ किधर से होगा, राइट से होगा, एक्स गोज टू जीरो प्लस रूट एक्स, है ना। और ये लिमिट कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि अगर ग्राफ गिवन है तो ग्राफ को आप डायरेक्टली देख कर ये सीधे लिमिट का आंसर बता सकते हैं। तो एक्स गोज टू जीरो प्लस का मतलब है कि हमको जीरो के राइट से जीरो की तरफ चलना है। क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूं, जीरो के राइट से जीरो की तरफ अप्रोच करना है, लेकिन चलना किस पर है, ग्राफ पर। तो जीरो के राइट से जीरो की तरफ चलिए, ग्राफ पर चलिए और देखिए हाइट किस नंबर के अप्रोच कर रही है, जीरो के अप्रोच कर रही है। आ रही है बात समझ में, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, जीरो। आ रही बात समझ में। यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में ग्राफ अवेलेबल नहीं है। आ रही बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट एक्स गोज टू वन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एक्स अप्रोचेस टू वन पर। तो साइन इनवर्स एक्स अगर आप पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ा है क्या, हाँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, है ना। तो इसके डोमेन की बात करें, ये साइन इनवर्स की डोमेन है माइनस वन से वन, यानी इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिफाइंड है ना। तो हमें लिमिट कहां पर निकालनी है, वन पर निकालनी है। तो आप ये देख के बताइए कि वन के किस किस साइड में ग्राफ अवेलेबल है, ये डोमेन है इसकी। तो वन के पीछे तो ग्राफ अवेलेबल है, ये वन के आगे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, यानी वन से बड़े नंबर का साइन इनवर्स यहां पर डिफाइंड नहीं होता है, है ना। तो वन पर अटैक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किधर से अटैक होगा, पीछे से अटैक होगा। हमारी बात समझ में। थोड़ा ग्राफ बना भी लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का, ग्राफ के सच यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन बनाते हुए चलते हैं, बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे, थोड़ा अच्छी फील आती है, है ना। और कैलकुलस को ग्राफ से पढ़ने की बात ही डिफरेंट होती है यार। चलिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, डोमेन क्या है, माइनस वन से वन, ये माइनस वन है, ये वन है, जीरो है। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये हाइट कितनी है, माइनस पाई बाई टू, और ये वाली हाइट कितनी आ रही है यहां पर, पाई बाई टू। आ रही बात समझ में, ठीक है। ग्राफ दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो इनके अगर नहीं भी पता है तो एक बार देख लीजिए, बिल्कुल माइंड में सेट रखिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए ग्राफ आपको बिल्कुल रिकॉल होने चाहिए, याद ही रहने चाहिए, है ना। चलिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यार, वन के मुझे दिख रहा है ग्राफ के कि वन के राइट में ग्राफ अवेलेबल नहीं, केवल और केवल वन के पीछे ग्राफ अवेलेबल है। तो वन पे अटैक अपन किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे, है ना।
तो ये लिमिट निकालना क्लियर है कि हमें अटैक 1 के पीछे से करना है, लिमिट x goes to 1 माइनस साइन इनवर्स x, क्लियर? ठीक है, अब 1 के पीछे से 1 की तरफ चलिए ग्राफ पर, तो देखिए फंक्शन क्या है, किस नंबर को टेंड कर रही है, पाई बाई 2 को टेंड कर रही है, या फिर अगर आपको इनके सपोज करो या ग्राफ याद ही नहीं आ रहा है लेकिन कुछ वैल्यू आपको लर्न है, तो आप इस x को सीधा उठा के यहां पुट कर दीजिए, है ना, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1। यहां पर जो माइनस या प्लस लगा हुआ था, 1 माइनस का मतलब 1 के पीछे से अटैक करना, 1 प्लस का मतलब 1 के आगे से अटैक करना है, तो माइनस या प्लस डायरेक्शन बताता, पुट आपको यही अमाउंट करना होता है, x को 1 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज व्हाट पाई बाय 2, है ना। तो दो इलस्ट्रेशन मैंने ले लिए थे, एक रूट एक्स का लिया, एक साइन इनवर्स एक्स का लिया, एक में राइट से अटैक किया है और एक में लेफ्ट से अटैक किया है। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब एक दो इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं करने को, अटेंड करिए आप लोग। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स अपॉन बॉक्स एक्स, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन बॉक्स एक्स अपॉन एक्स, है ना, करिए ट्राई आप लोग, निकालिए इसका आंसर। तो यहां पर आपको ये सोचना है कि यार इनमें से कौन से लिमिट वन साइडेड है, कौन से लिमिट टू साइडेड है, तो थोड़ा सा केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये वन साइडेड लिमिट को एक्सप्लेन करने के लिए। कर लिया बच्चों अटेंड, करें डिस्कस, चलिए देखते हैं। जैसे मैं मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x अपॉन बॉक्स x, है ना, तो अब मेरे माइंड में बस यही डाउट आ रहा है कि ये वन साइडेड केस है या फिर टू साइडेड, तो इसको अपन चेक कैसे करेंगे, ये जो फंक्शन की लिमिट निकालनी है, सबसे पहले इसके डोमेन की बात करते हैं कि इसका ग्राफ, ये जो फंक्शन इसका ग्राफ किन x के लिए अवेलेबल है, तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डोमेन बताइए, एक्स अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, तो आप जानते हैं कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हम इसके डोमेन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर वो एक्स कभी भी अलाउड नहीं है जहां पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है, है ना, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कब होता है, किन एक्स का इंटीग्रल पार्ट जीरो होता है, जीरो से कम, है ना, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम ये वाले एक्स पुट करेंगे जीरो से वन के बीच का कोई भी एक्स उठा के डालेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, आ रही बात समझ में, तो यानी इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये वो नंबर है जहां पर इस फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा, यानी अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ 1 के आगे अवेलेबल होगा और 0 के पीछे, ध्यान से देखिए 1 के आगे अवेलेबल है और 0 के पीछे अवेलेबल है, 1 0 से 1 के बीच में ग्राफ अवेलेबल नहीं है, आ रही बात समझ में, 1 के जस्ट राइट में देखेंगे आप बोलेंगे सर ग्राफ अवेलेबल है, 1 के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, कोई नेटवर्क नहीं है वहां पर,
आ रही बात समझ में? तो केवल अपने को लिमिट कहां पर निकाली है, ध्यान से देखिए, मेरे को बन पर लिमिट निकालनी है। तो बन पर अगर लिमिट निकालिए तो ग्राफ की अवेलेबिलिटी देखिए बन के किस साइड में, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में, बन के पीछे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, है ना। तो ये एक स्पेशल केस है वन साइडेड लिमिट का। तो यहां पर हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि बन के राइट में ग्राफ अवेलेबल है, तो अटैक सिर्फ किधर से होगा, बन के राइट से होगा, बन प्लस एक्स अपॉन बॉक्स एक्स। और एक बार समझ में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो उसमें जो स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे मॉड, इंटीग्रल पार्ट, सिग्नम, पहले इनको डिफाइन करिए फिर आगे मूव करिए। तो यहां पर x कैसा है, 1 प्लस, यानी 1 से जस्ट बड़ा है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो x अगर 1 से जस्ट बड़ा है तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर ये बॉक्स 1 बन गया तो फाइनली अब लिमिट क्या बचती है, x गोस टू 1 प्लस, नीचे 1 बन गया तो सिर्फ x आ गया। और ये वाला x किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है। अरे बात समझे, 1 प्लस का मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि 1 के आगे से चल रहा है, 1 के राइट से 1 की तरफ आ रहा है। ये पुट क्या करना है, ये अमाउंट पुट कर, 1 को पुट कर दीजिए, तो ये वाली लिमिट का आंसर तो आ गया, लिमिट का आंसर क्या आया, 1। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर इज 1, वन साइडेड लिमिट है। चलिए अब अपन इस साइड मूव करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसकी बात करते हैं। फिर भाई डाउट, फिर से डाउट आ रहा है कि यार ये वन साइडेड का केस है या फिर टू साइडेड का केस है। तो मेरा फिर से वही क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डोमेन बताओ, इसका ग्राफ बताओ। तो आप कहोगे सर अब की बार नीचे x आ रहा है, बॉक्स x नहीं है। अब अगर नीचे x है तो x को क्या पुट नहीं कर सकते, जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर ये ग्राफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह ग्राफ अवेलेबल, पूरी नंबर लाइन में ग्राफ अवेलेबल होगा जीरो को छोड़कर। अटैक कहां पर करना है, मेरे को अटैक वन पे करना है, तो वन पर जब अटैक करना है तो वन के जस्ट राइट में बताओ ग्राफ अवेलेबल है, यस सर, ग्राफ वन के जस्ट राइट में भी है। क्या वन के जस्ट लेफ्ट में भी ग्राफ अवेलेबल है, यस, वन के जस्ट लेफ्ट में भी है, वन के जस्ट राइट में भी है। कहां पर नहीं, जीरो पर ग्राफ नहीं, एक पॉइंट पर नहीं है, वन के आगे भी ग्राफ है और वन के पीछे भी ग्राफ है। तो इट मीन्स यहां पर जब आप लिमिट निकालेंगे तो वन के दोनों साइड से अटैक करेंगे, ये टू साइडेड लिमिट का केस है। तो यहां पर हमें दो जॉब करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस बॉक्स x अपॉन x एंड लिमिट x गोज टू 1 माइनस बॉक्स x अपॉन x, है ना। चलिए मूव करते हैं आगे, x कैसा है, 1 से जस्ट बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो पहले इसको डिफाइन कर लो यार, 1 से जस्ट बड़े नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस 1 अपॉन x, आ रहा है समझ में। और यहां पे x किस को टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है, x को 1 पुट कर दीजिए तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो राइट से अटैक किया है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 1 आ रही है। चलिए अब लेफ्ट से अटैक करते हैं, यहां पे x कैसा है, 1 से जस्ट छोटा, 1 माइनस मतलब स्लाइटली लेसर देन 1, 1 से जस्ट छोटा है, 0.9999 टाइप का है। तो 0.9999 टाइप का है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 0। और इंटीग्रल पार्ट अगर ये जीरो बन गया तो ऑब्वियसली बात है नीचे क्या बन रहा है, नीचे वन बन रहा है, ऊपर जीरो बन रहा है। तो जीरो अपॉन वन क्या बोलोगे आप, जीरो। आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां से मैंने जब राइट हैंड लिमिट निकाली आंसर क्या आया, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली क्या आंसर आया, 0। तो राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, दोनों एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो फाइनली क्या लिखेंगे आप इसके आंसर को, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे बस वन में ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये वन साइडेड केस है, यहाँ पे दो तरफ से अटैक ही नहीं करना था, इसका आंसर क्या, 1। और इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया समझ में, ठीक है, मूव करते हैं आगे, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे होगा समझ में, ठीक है, नोट भी कर दिया जरा, ठीक।
चलिए अब इसके बाद अपन मूव करते हैं फाइव फंडामेंटल थ्योरम्स। नोट करिए हेडिंग आ रही है आप लोग, इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी एक्स इक्वल टू एम। मैंने सपोज कर लिया कि एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए पर एफ एक्स की लिमिट एल है और एक्स अप्रोच टू ए पर जी एक्स की लिमिट एम है, वेयर एल एंड एम आर फाइनाइट क्वांटिटीज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, जहां एल और एम दोनों ही कैसी हैं, फाइनाइट क्वांटिटीज है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहे, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे, एफ एक्स की लिमिट एल है, जी एक्स की लिमिट एम है, दोनों कैसे नंबर है, फाइनाइट है ना। देन देन पहला रूल, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना। तो जब दोनों ये फंक्शन की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो हम लोग इस लिमिट को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एफ एक्स की लिमिट एल है, जी एक्स की लिमिट एम है, तो ये सम की लिमिट क्या आ जाएगी, एल प्लस एम। नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू एल माइनस एम, सम की लिमिट एल प्लस एम आ गई, डिफरेंस की लिमिट क्या आ गई, एल माइनस एम। एफ एक्स इन टू जी एक्स प्रोडक्ट की लिमिट क्या आ जाएगी, भाई लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लिमिट एफ एक्स इन टू लिमिट जी एक्स, तो ये एल बन जाएगा, ये एम बन जाएगा, एल इन टू एम। क्वेश्चन रूल, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट अपने पास क्या आ जाएगी, एल अपॉन एम, ऊपर वाले की लिमिट एल है, नीचे वाले की लिमिट एम है, तो लिमिट का अपना आंसर क्या, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट यहां पर क्या आ रही है, एल अपॉन एम। लेकिन यहां पर क्वेश्चन टू में आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर एम क्या है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, चलिए फिफ्थ थ्योरम है कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के टाइम्स एफ एक्स, तो ये वाली लिमिट अपने पास क्या आ जाएगी, के यहां पे कोई भी कॉन्स्टेंट है, जैसे एफ एक्स की लिमिट एल थी है ना, और अगर अपन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, टू एल, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या आएगी, थ्री एल, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, फाइव एल, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, के इंटू एल। ओके चलिए मूव करते हैं आगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लिमिट को कैलकुलेट करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या है, तो हेडिंग आ लीजिए आप तो वेरियस स्ट्रेटजीज टू इवैल्यूएट लिमिट। लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एलजेब्रिक लिमिट्स की।
तो देखिए एल्जेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के अपने पास कौन कौन से मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड रैशनलाइजेशन, फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड रैशनलाइजेशन, थर्ड डबल रैशनलाइजेशन। डबल रैशनलाइजेशन, नेक्स्ट लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी टाइप, कुछ टाइप की लिमिट होती है यहां पर वेरिएबल जो है इंफिनिटी को टेंड करता है। नेक्स्ट यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस रहेंगे अपने पास, फैक्टराइज करके भी आप लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन के थ्रू भी लिमिट सॉल्व होती है, डबल रैशनलाइजेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रेडिकल साइन होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं डबल रैशनलाइजेशन। कुछ एक्स गोज टू इंफिनिटी टाइप टाइम की भी लिमिट्स होती है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे जिसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके हम लिमिट सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अपने को, है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जब x 2 पे अप्रोच कर रहा है तो एक बार आप x को 2 न्यूमरेटर पुट कीजिए, देखिए वैल्यू क्या आ रही है 4 और 6 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, और सिमिलरली x को 2 डिनोमिनेटर में पुट कीजिए तो यहां पर भी क्या आ रहा है 0, यानी फॉर्म क्या बन गई आपकी 0/0। तो 0/0 फॉर्म बन रही है यहां पर, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमरेटर के फैक्टर दिख ही रहे हैं x-2 x-3, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लीजिए x-2 x-1, ठीक है ना। अच्छा इस फैक्टर से इस फैक्टर को कैंसिल कर दिया, बाकी आप x को 2 पुट कर दीजिए तो 2-3 अपॉन 2-1, तो ऊपर आ जाएगा आपका -1, नीचे आ जाएगा 1, लिमिट का आंसर क्या आ गया -1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। लिमिट x गोज टू पाई बाई 4 -1 प्लस कॉट क्यू एक्स अपॉन -2 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट क्यू एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा x को जब पाई बाई 4 पुट करें तो कॉट पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1-1 क्या आ जाएगा 0, और नीचे भी क्या आ रहा है 0, तो ये फॉर्म भी क्या आ रही है अपने पास 0/0 है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टच दिख रहा है, जबकि टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक लिमिट, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको एल्जेब्रिक लिमिट में भी यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, चॉइस है अपनी। तो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया, लेट कॉट एक्स इक्वल टू टी, कॉट एक्स को टी कॉल कर दिया। अब नया वेरिएबल, अभी लिमिट का वेरिएबल क्या था एक्स, लेकिन जैसे मैंने वेरिएबल चेंज किया कॉटेक्स को टी डाल दिया, तो लिमिट का नया वेरिएबल अपने पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा।
अच्छा अब जब नया वेरिएबल टी है तो हम ये भी देखेंगे कि टी किसको टेंड करेगा, तो एक बार एक्स को पाई बाय फोर पुट कर दीजिए यहां पर, तो कॉट पाई बाय फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। यानी जब एक्स पाई बाय फोर को टेंड करेगा तो एज एक्स टेंडिंग टूवर्ड पाई बाय फोर देन टी टेंडिंग टूवर्ड्स वन। तो ये लिमिट अपने पास क्या आ रही है, लिमिट टी अप्रोचेस टू वन टी क्यू माइनस वन अपॉन टी क्यू प्लस टी माइनस टू, है ना। तो एक एलजेब्रिक लुक आ गया, आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टी को वन डाल दीजिए ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू वन, इसके न्यूमरेटर फैक्टर होंगे टी माइनस वन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और टी डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर किए जाए तो टी माइनस वन, एक रूट तो वन आएगा ही आएगा, और बाकी आप दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो टी माइनस वन से आप इस क्यूबिक में डिवाइड दे दीजिए, टी माइनस वन से इस क्यूबिक में डिवाइड दे देंगे तो दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, अब आप क्या करिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और जो बचा हुआ पार्ट है उसके टी को वन पुट कर दीजिए, तो वन प्लस वन प्लस वन ऊपर आ गया थ्री और नीचे आएगा वन प्लस वन प्लस टू फोर, थ्री बाई फोर। तो ये आपके लिमिट का आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 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 रेस पर एक्स प्लस टू रेस टू द पावर थ्री माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू रेस पर माइनस एक्स माइनस टू रेस टू द पावर वन माइनस एक्स। ये लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है ना, देख लिया होगा क्वेश्चन आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे यहां पे फॉर्म कौन सी बन रही है, तो x को आप 2 पुट कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 जीरो, और नीचे भी क्या आ रहा है जीरो, यानी ये भी फॉर्म वही बन रही है जीरो बाई जीरो। अच्छा यहां पर अगर लिमिट में एक एक्सपोनेंशियल पैटर्न दिख रहा है तो एक काम कर सकते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं पहले इस क्वेश्चन को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 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 रेस पर एक्स। अच्छा ये जो पिक्चर इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री मीन्स एट, और टू की पावर माइनस एक्स को नीचे जाएगी माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू की पावर माइनस एक्स पर रूट लगा हुआ है, तो इसको अपन लिखना चाहे तो इसकी पावर हाफ आ जाए, यानी टू की पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस टू अपॉन, इसको नीचे ले जाइए टू रेस पर एक्स, एक बार देख लीजिए आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहां पर, लेट टू रेस पर एक्स इक्वल टू टी, टू रेस पर एक्स को मैंने टी सपोज कर लिया, तो अब ये एक एलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जब मैं एक्स को टू पुट करूंगा यहां पर, एक्स को टू पुट कर दिया, टी किसको टेंड करेगा फोर को, टी अप्रोचेस टू फोर टी प्लस एट अपॉन टी माइनस सिक्स अपॉन टू पार एक्स को मैंने टी कॉल किया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास टू पावर एक्स को मैंने टी कॉल किया, टू पावर एक्स की पावर माइनस हाफ, इट मींस वन अपॉन रूट टी माइनस टू अपॉन टी। चेक कर लीजिए एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ, ओके मूव करते हैं इधर। लिमिट टी अप्रोचेस टू फोर, एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस एट अपॉन, नीचे एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा रूट टी माइनस टू, ठीक है ना, ऊपर और नीचे एलसीएम टी कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, अब फॉर्म देखिए अभी भी वही बन रही है, अभी एक्चुअली मैंने कुछ सॉल्विंग नहीं किया, वेरिएबल को चेंज करके एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल से एक एल्जेब्रिक पैटर्न लेके आया हूं, ठीक है ना। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, लिमिटिंग अप्रोचेस टू फोर, तो न्यूमरेटर के फैक्टर क्या देख रहे हैं, फोर टू द एट, टी माइनस टू, टी माइनस फोर अपॉन रूट टी माइनस टू, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब फर्दर इसको फैक्टराइज करना है, टी माइनस फोर, तो टी माइनस टू इंटू ये जो अमाउंट लिखा वो टी माइनस फोर, इसके हम दो फैक्टर कर सकते हैं, अगर आप केयरफुली देखें, रूट टी प्लस टू इंटू रूट टी माइनस टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो देख भाई आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी माइनस फोर आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो इसका एडवांटेज मिल रहा है कि विदाउट रेशनलाइजेशन हमने इसको यहां पर डील कर लिया, तो इस फैक्टर को इस फैक्टर से कैंसिल कर दिया, बाकी बचे हम टी को फोर सब्सिट्यूट कर दीजिए, टी को फोर डालेंगे तो यहां से टू आएगा और टू प्लस टू ये फोर बन गया, टू फोर जब एट, तो इस लिमिट का आंसर आपको क्या मिल रहा है यहां पर, एट आ रहा है ना। देख लीजिए आप लोग, चलिए मूव करते हैं। अब इसके बाद कुछ रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अपॉन रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नाइन थ्री माइनस रूट एक्स अपॉन फोर माइनस रूट ऑफ टू एक्स माइनस टू। चलिए तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स को जीरो पुट कर दीजिए तो ऊपर भी जीरो आ रहा है नीचे भी जीरो आ रहा है, फॉर्म क्या रही है, जीरो बाई जीरो। अच्छा क्वेश्चन देख के ये फील तो आई रही है कि ये एक एल्जेब्रिक लिमिट का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक लिमिट का। तो क्या यहां पर अब एल्जेब्रिक लिमिट का, मैंने पहला मेथड क्या बोला था, फैक्टराइजेशन, तो यहां पर फैक्टराइजेशन का तो कोई चांस नहीं दिखता है ना। यहां पर कुछ रेडिकल टर्म्स पिक्चर में अपीयर हो रहे हैं, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस पिक्चर को रेशनलाइज कर लेते हैं। एक्स अपॉन इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पिक्चर क्या हो जाएगी, रेडिकल फ्री हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरह का नया डिनोमिनेटर आएगा और इसका जो करेस्पॉन्डिंग कंजुगेट था वो कुछ ऊपर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस टर्म से आप ऐसे समझिए, मैंने इस नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला सीन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन के क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब आपको इसका एडवांटेज समझ में आएगा, देखिए फाइव से ये फाइव कैंसिल हो गया और एक्स मिलकर क्या गया टू एक्स, तो माइनस टू एक्स आएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, ऊपर एक्स नीचे माइनस टू एक्स, और एक और फैक्टर है रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, दिख रहा है क्या सभी को, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया है ना, और बचे हुए एक्स में आप जीरो पुट कर दीजिए तो ऊपर क्या आएगा रूट फाइव प्लस रूट फाइव यानी टू रूट फाइव, और नीचे क्या आ रहा है माइनस टू, फाइनली व्हाट इज द आंसर, माइनस रूट फाइव। अरे ये बात समझ में, चलिए मूव करते हैं आगे। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट आ रहा है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, एक्स को नाइन पुट कर दीजिए, मेरे को तो समझ में आ गया यार, ऊपर भी जीरो आ रहा है और नीचे नाइन टू एटीन माइनस टू सिक्सटीन, सिक्सटीन का रूट फोर और फोर माइनस फोर जीरो, यानी ये भी वही कहानी है जीरो बाई जीरो। लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन कि यहां पर तो दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रूट आ रहा है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, डबल रेशनलाइजेशन, यानी न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करेंगे और
डिनोमिनेटर को भी डिस्टाइज करेंगे। चलिए गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 माइनस रूट एक्स का कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस रूट एक्स, तो 3 प्लस रूट एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे का कंजुगेट क्या होगा, 4 माइनस का कंजुगेट क्या, 4 प्लस दिस पिक्चर मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा 16 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा ये मल्टीप्लाई जब नीचे होगा तो ऊपर भी होगा, तो इसका जो कंजुगेट था वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 2, और इसका जो कंजुगेट था वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस रूट एक्स। देख लीजिए आप एक बार, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये वाली कहानी देखिए क्या बन रही, 16 प्लस 2 18 माइनस 2x, लिमिट x अप्रोचेस टू 9, 9 माइनस एक्स, और ये कहानी बन गई 18 माइनस 2x। इसमें से अगर अपन 2 कॉमन ले लें तो 9 माइनस एक्स है ना, और ये वाली पूरी पिक्चर जो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 4 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट एक्स। आ रही बस समझ में। अच्छा जब मैं x को 9 डाल रहा हूं तो देखो ये वाला फैक्टर 0 जा रहा है और ये भी 0 जा रहा है, यानी यही वो फैक्टर था जिससे लिमिट हमारी इंडिटरमिनेट 0/0 बन रही थी, और अब अपन क्या करेंगे इस फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, यही टेंशन वाला पॉइंट था और यहां से अब कैंसिल हो चुका है। अब जो कैंसिल हो गया है तो बच्चे पार्ट में एक्स ऑफ 9 10 करा दीजिए, तो 9 टू द 18 माइनस 2 16, तो ऊपर की कहानी क्या रही 4 प्लस 4 और नीचे 2 ये बचा हुआ था, और यहां से 3 प्लस 3 6, तो पिक्चर ओवरऑल क्या होंगी 4 प्लस 4 8 अपॉन 6 टू द 12 दैट इज 2/3, ये आंसर आ रहा है। चेक कर ले एक बार आप, चलिए कुछ इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो इंफिनिटी वाली लिमिट को सॉल्व करने का ये अप्रोच होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लेते हैं, x की कोई भी हाईएस्ट पावर दिख रही है उसको आप बाहर निकालेंगे, है ना। तो न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो दोनों से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप जानते हैं कि जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं, x इज ए वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो जब x बहुत बड़ा नंबर है तो किसी भी नंबर के नीचे अगर x की कोई भी पॉजिटिव पावर आएगी तो ऑब्वियसली वो किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो ये भी जीरो को टेंड कर जाएगा, ये भी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को करेगा, ये भी जीरो को करेगा, तो फाइनली आंसर क्या देगा आपको, ऊपर से 3 बचेगा नीचे से 2, आंसर इज 3/2। अरे ये बात समझ में। अच्छा इसी में और कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा आंसर देखिए और लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो देखिए, कुछ बात समझ में आई क्या, कि ऊपर से कोफिशिएंट 3 है नीचे से कोफिशिएंट 2 है, तो आपका सीधा आंसर आ गया 3/2। अब एक मैं जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज करो ऊपर क्वाड्रेटिक ना होता, ऊपर क्यूबिक होता, ऊपर डिग्री बड़ी होती और नीचे डिग्री छोटी होती, ऊपर क्यूबिक होता नीचे क्वाड्रेटिक होता, तो ऊपर से आप क्या कॉमन लेते, एक्स क्यूब, और नीचे से क्या लेते कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद भी एक ऊपर एक्स बचता है ना, और ये न्यूमरेटर वाला एक्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ऑब्वियसली बात है कि उस केस में लिमिट का आंसर क्या आ जाता, इन्फिनिटी, है ना।
आप ये मान के चलिए कि कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो ऐसी हर लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। अरे ये बात समझ में। और इन केस कि ऊपर क्वाड्रेटिक होता और नीचे क्यूबिक होता, ऊपर 2 डिग्री वाला होता नीचे 3 डिग्री वाला, तो ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन लेते, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल करें, एक नीचे एक्स एक्स्ट्रा बचता है ना, और नीचे वाला एक्स जो है एक्स इंफिनिटी को टेंड कर, अगर नीचे एक्स आएगा तो पूरी फ्रैक्शन को क्या बना देगा? जीरो। तो अगर नीचे डिग्री ज्यादा है ऊपर डिग्री कम होता है, ऐसी सारी लिमिट का आंसर क्या आता है? जीरो, है ना। और लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री दोनों सेम है, तो इस लिमिट का सीधा आंसर आप देखकर ही बता सकते हैं बिना पेन उठाए कि इसका आंसर होता है कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर से हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ले लीजिए और नीचे से हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, सीधा रेशियो आ जाएगा आपका 3/2। चलिए मूव करते हैं आगे। फैक्टोरियल ऑफ 3 टाइम्स एन प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है एन प्लस 1 का होल क्यूब इनटू फैक्टोरियल 3n। ये लिमिट सॉल्व करनी है अपने को, है ना। चलिए देखते हैं। तो न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 3n प्लस 3 लिखा हुआ है, 3n प्लस 3, और नीचे फैक्टोरियल 3n लिखा हुआ है। अच्छा, फैक्टोरियल में एक रिडक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल n को रिड्यूस करना हो तो अपन इसको ऐसे रिड्यूस करते थे, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे फैक्टोरियल 5 को रिड्यूस करना हो तो उसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और ज्यादा रिड्यूस करना हो, एक और बार रिड्यूस करना हो तो 5 इंटू 4 इंटू 4 से जस्ट छोटा फैक्टोरियल 3। तो यानी हम इसको किसी भी स्टेज तक रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इस रिडक्शन फॉर्मूले को देखिए, एक बार समझ आई, ऊपर क्या लिखा हुआ 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखा हुआ 3n का फैक्टोरियल। यानी अगर ऊपर वाले को 3 बार रिड्यूस किया जाए तो ये वाला सीन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात समझ में। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस 3 इंटू 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 3n, ठीक है ना। इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया न्यूमरेटर में, और नीचे कुछ नहीं करना, बस नीचे वाली पिक्चर को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एन प्लस 1 का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3n, ठीक है ना। एडवांटेज साफ दिख रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। अब कैंसिल हो गया, अब देखिए कैंसिल करने के बाद जो पिक्चर है वो क्या है। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर n के 3 फैक्टर है, लीनियर 3 लीनियर फैक्टर, यानी ऊपर n में एक क्यूबिक आ रही है, और नीचे अगर इसको ओपन करें तो ये भी एक 3 डिग्री का एक्सप्रेशन नीचे मिलेगा। तो यानी ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम आ रही है, ऊपर भी 3 डिग्री का है और नीचे भी 3 डिग्री का है। तो मैंने बोला है कि अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम है तो ऐसे क्वेश्चन का सीधा आंसर होता है कि कोफिशियंट का रेशियो, यानी ऊपर से n की हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 27। और नीचे जब इसमें इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इससे एन क्यू का कोफिशियंट क्या आएगा? 1। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को देख के सीधा आंसर बता सकते हैं, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इसका आंसर क्या आएगा? 27। लेकिन अब अभी आप एक्चुअली क्या है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक दो क्वेश्चन में आप पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करें, उसके बाद ये शॉर्टकट वगैरह लगाएं। तो इसको सॉल्व करने के अपन क्या काम करेंगे, जैसा अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था कि इन्फिनिटी की कोई भी लिमिट है, क्या काम करना है, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हाइएस्ट पावर को कॉमन निकाल लो, यानी एक एन यहां से भी कॉमन, एक यहां से भी कॉमन, एक एन यहां से भी कॉमन, यानी ऊपर क्या आ जाएगा एन क्यूब, और यहां क्या बचा 3 प्लस 3/n, 3 प्लस 2/n, 3 प्लस 1/n, यहां से भी एक एन बाहर निकाल लीजिए, एन क्यूब इंटू 1 प्लस 1/n का होल क्यूब। तो इस एन क्यूब से ये वाला एन क्यूब कैंसिल हो गया। अब देखिए n नीचे आ रहा है तो ये भी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, तो न्यूमरेटर से क्या मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और डिनोमिनेटर से क्या देख रहा है 1, तो लिमिट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 27, है ना, नोट कर लीजिए आप लोग।
स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर प्लस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एन पावर फोर प्लस वन होल अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एन पावर सिक्स प्लस सिक्स एन पावर फाइव प्लस टू माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एन की पावर सेवन प्लस थ्री एन क्यूब प्लस वन. ये क्वेश्चन गिवन है. तो देखिए, देखने में तो थोड़ा सा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं. आप इसको केवल देखकर ही एक सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं, है ना. यहां पर ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. एक बेसिक पॉइंट आप पकड़ के चाहिए, न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर आपको ऑब्जर्व करनी है और डिनोमिनेटर से एन की हाईएस्ट पावर, है ना. तो यहां पर एन क्यू आ रहा है और ये क्या है स्क्वायर रूट. तो यहां से एन की हाईएस्ट पावर क्या मिलने वाली है, थ्री बाई टू. आ रही है बात समझ में. यहां पे एन पावर फोर है लेकिन ये क्यूब रूट है, तो यहां से एन की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी, फोर बाई थ्री. आ रही बात समझ में. फर्स्ट टर्म से थ्री बाई टू आ रहा है, सेकंड टर्म से फोर बाई थ्री. तो थ्री बाई टू और फोर बाई थ्री में बड़ा कौन है, कौन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा. थ्री बाई टू बड़ा है, वन पॉइंट फाइव है, ये वन पॉइंट थ्री थ्री है. यानी अब अगर हम टोटल न्यूमिरेटर की बात करें, है ना, तो एन की हाईएस्ट पावर ओवरऑल क्या दिख रही है, ऑब्वियसली ये दिख रही है, यानी ये डोमिनेट कर रहा है न्यूमिरेटर में. आ रही बात समझ में. अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, यहां एन पावर सिक्स लिखा हुआ है और ये फोर्थ रूट है इसका. तो इट मींस अगर एन पावर सिक्स को अपन बाहर निकाले तो यहां से हाईएस्ट पार्ट ऑफ एन क्या आ गया, सिक्स पावर सिक्स बाई फोर, दैट इज फिर से क्या आ गया, थ्री बाई टू. और यहां से देखेंगे एन पावर सेवन लिखा हुआ, ये फिफ्थ रूट है, तो एन की पावर क्या आएगा, सेवन बाई फाइव, है ना. तो थ्री बाई टू क्या होता है, वन पॉइंट फाइव होगा. और सेवन बाई फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं, वन पॉइंट फोर लिख सकते हैं. तो ऑब्वियसली इन दोनों में फिर से कौन डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, एन की पावर थ्री बाई टू, है ना. तो अब पूरे क्वेश्चन को आप एक लुक दे दीजिए और ये देखिए कि न्यूमिरेटर में एन की हाईएस्ट पावर क्या है, एन की पावर थ्री बाई टू. डिनोमिनेटर में एन की हाईएस्ट पावर क्या है, एन की पावर थ्री बाई टू. यानी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम आ रही है, जो ऊपर डिग्री है वही नीचे डिग्री दिख रही है. तो मैंने आपको बोल रखा है कि अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोफिशियंट का रेशियो. यानी ऊपर से एन की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशियंट डिग्री क्या आ रहा है, वन, है ना. और नीचे जो एन की हाईएस्ट पावर है उसका भी कोफिशियंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है. तो सीधा आंसर क्या आएगा, वन अपॉन वन, दैट इज वन. आ रही बात समझ में. तो उसको सीधे वन लिख सकते हैं. अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अच्छा ये रहता कि अपन इसको और अच्छे, मतलब पूरा एक एक स्टेप लिखकर करते, है ना. तो अभी अपन स्टार्टिंग जोन में है तो अपन ऐसा करते हैं, इसको पूरा एलिबरेट करके पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं. ले आप थोड़ा सा इसको शॉर्टकट से भी देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, टाइम सेविंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. चलिए सॉल्व करते, कंप्लीटली सॉल्व करते. तो क्या काम करना है, यहां से एन क्यू कॉमन ले लिया, तो n की पावर 3 बाई टू, अंदर क्या आएगा, 1 माइनस एन क्यू का डिवाइड दे दीजिए 1 माइनस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन क्यू होल टू दी पावर हाफ, ठीक है ना. प्लस यहां से n पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो n की पावर 4 बाई थ्री, 1 प्लस 1 बाई एन पावर 4 होल टू दी पावर 1 बाई थ्री डिवाइडेड बाई n की पावर 6 बाहर ले लीजिए. तो यहां से क्या आएगा, एन की पावर थ्री बाई टू बाहर आ जाएगा, अंदर एन पावर सिक्स से डिवाइड लग जाएगा, माइनस यहां पे क्या है, एन की पावर सेवन आप बाहर ले लीजिए, तो एन की पावर सेवन बाई फाइव ब्रैकेट के अंदर आइए, तो अंदर एन पावर सेवन से डिवाइड दे दीजिए. तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, वन प्लस दूसरा टर्म थ्री अपॉन एन पर सेवन से डिवाइड किया एन की पावर फोर, प्लस लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, वन अपॉन एन की पावर सेवन होल रेस टू द पावर क्या आएगा, वन बाई फाइव. देख लीजिए, स्टेप चेक कर लीजिए, सही है क्या, ठीक है. अब इसमें और इसमें देखिए,
बड़ा कौन सी पावर बड़ी आ रही है, 3/2 बड़ी आ रही है ना। तो अब ओवरऑल न्यूमरेटर से अपन क्या करेंगे, बड़ी पावर जो सबसे बड़ी पावर उसको कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या काम किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन के पास 3/2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अपने पास 1 - 2/n प्लस 1/(n³) होल रेज टू द पावर हाफ प्लस। अब इसमें n पर 3/2 कॉमन लिया है तो इसमें n पर 3/2 से डिवाइड दे दीजिए, n की पावर 4/3 होल अपॉन n की पावर 3/2 है ना। और ये बस एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 1 + 1/(n⁴) होल रेज टू द पावर 1/3। नीचे आ जाइए, नीचे भी देखिए इसमें और इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन सी पावर बड़ी आ रही है, एन पास 3/2 बड़ी पावर है तो ओवरऑल डिनोमिनेटर से एन के पास 3/2 कॉमन ले लीजिए। पहला टर्म क्या आएगा, 1 + 6/n + 2/(n⁴) होल रेज पावर 1/4 माइनस, अब इसमें क्या होगा इसका डिवाइड लग जाएगा, n टू द पावर 7/5 डिवाइडेड बाई n के पास 3/2, और बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 1 + 3/(n⁴) + 1/(n⁴) होल रेज टू द पावर 1/5। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए स्टेप सारे है ना, ओके है सब कुछ, फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक। तो अब n पर 3/2 से n पर 3/2 मैंने कैंसिल कर दिया, ब्रैकेट के अंदर आइए, डिनोमिनेटर में n आ रहा है और n इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये भी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को, जीरो जीरो। बाहर आइए, n के पास 4/3 और n पर 3/2 दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, डिनोमिनेटर वाली पावर बड़ी है, न्यूमरेटर वाली पावर छोटी है ना। तो ये फ्रैक्शन भी तो इसको टेंड कर जाएगी जीरो को, है ना। और सिमिलरली यहां पर देखिए, n पर 7/5 और 3/2, 7/5 मतलब 1.4 और ये क्या दे रखा 1.5, तो कौन सी पावर बड़ी आ रही, नीचे वाली पावर बड़ी आ रही है, ये वाली पावर छोटी है। तो सेम स्टोरी से ये भी किसको टेंड कर जाएगा जीरो को, अंदर वाला मटेरियल ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो आपको दिख रहा होगा देखो, एक वन ये बचा हुआ है और एक वन ये बचा हुआ है, तो 1 + 1 सॉरी ये वन नहीं बचा हुआ, ये वाला तो पूरा जीरो जा रहा है, तो ऊपर 1 + 0 और नीचे क्या आएगा 1 - ये पूरा जीरो चला गया जीरो, फाइनली आंसर क्या आ गया 1। तो ये डिटेल हो गई पूरा, एक बार कंप्लीट फील आ गई आपको, हाँ यार इसको अगर एंड तक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लेकिन इतना की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आपको अंदर ये अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन देखा और सीधे देख के सीधा आंसर एक पहली लाइन में 1, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन अपने को ऐसे भी स्टडी मटेरियल में मिल जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी √(x²+1)/(3x-6) कुछ इस तरह का भी दिख जाता है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें, x गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी, तो देखिए यहां पर ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, x गोज टू, x एक नंबर है जो किसी एक ही नंबर को टेंड कर सकता है, ये एक तरह से दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, यहां पर आपको एक नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन वही हो गया कि जब x प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा तब इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तब इसका आंसर क्या आएगा, तो दो केस में इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस सिक्स, एक ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और एक माइनस वाला करेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, दूसरा कंपोनेंट लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस सिक्स, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए स्टोरी भैया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या सिखाया गया था आपको कि अगर इन्फिनिटी की लिमिट सॉल्व करनी हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। तो इस एक्स स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा वन प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर, है ना। और इसकी पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। नीचे से भी एक एक्स अगर कॉमन निकाल ले तो थ्री माइनस सिक्स वाई एक्स, तो ये एक्स कैंसिल हो गया यहां से, तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा वन वाई थ्री। जब एक्स प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इस रेशियो की लिमिट जाएगी वन बाई थ्री। चलिए अब इधर मूव करते हैं, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब क्या आएगा, तो काम वही करना है, लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया। अब यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना यार, कि जैसा कि आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ रखा होगा, रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखना गलत होता है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन इज व्हेनेवर डिफाइंड इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। आ रही बात समझ में, तो रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हमें क्या लिखना चाहिए, मॉड एक्स लिखना चाहिए, समझ गए क्या। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर मैंने मॉड इसलिए नहीं लिखाया था क्योंकि एक्स कैसा था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव मॉड इज ए मटीरियल, मॉड एक्स इज एक्स, है ना। तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, लेकिन ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का मॉड रूट क्या होगा, मॉड एक्स, और अंदर वाली पिक्चर क्या बन जाएगी, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, नीचे से एक्स बाहर निकाल लीजिए, थ्री माइनस सिक्स बाई एक्स, है ना। अच्छा एक्स इज ए वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी, एक्स नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो मॉड एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। नीचे इस कॉपी कर दीजिए, अब देखिए अब इस एक्स से मैंने इस एक्स को कैंसिल कर दिया, बाकी एक्स इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये वाला पोर्शन जीरो टेंड करेगा, ये भी जीरो टेंड करेगा, तो ऊपर वन दिख रहा है नीचे थ्री दिख रहा है, लेकिन बाहर साइन कैसा है, नेगेटिव, थोड़ा ये ध्यान रखना है ना। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई थ्री, जब एक्स किसको टेंड करे, माइनस इन्फिनिटी को। ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हमें क्या लिखना चाहिए, मॉड एक्स, ठीक है ना। अच्छा कुछ स्टूडेंट इसका एक अल्टरनेट अप्रोच निकाल देते हैं, इसको डिफरेंट तरह से करते हैं, जैसे मैंने तो वही रूटीन प्रोसेस जो भी सिखा रहा था वही किया, कुछ लोग इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल यूज कर लेते हैं, कहते हैं सर माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक वेरिएबल सपोज किया, लेट एक्स इक्वल टू माइनस टी पुट कर दिया, एक्स को क्या पुट कर दिया, माइनस टी। तो जब मैं एक्स को यहां पर माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा, है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, देन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स जब माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो टी किसको टेंड करने लगेगा, प्लस इन्फिनिटी को, है ना। तो देखिए प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन माइनस थ्री टी माइनस सिक्स, आ रही बात समझ में। तो अब भाई टी कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वायर को बाहर निकालिए, बाहर आके क्या बन जाएगा, टी वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, नीचे से टी कॉमन ले लीजिए,
माइनस थ्री माइनस सिक्स बाई टी है ना, और ये टी किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, तो आंसर अपने पास क्या आ गया, माइनस वन बाई थ्री, ठीक है ना। आ गया बच्चों समझ में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और आगे वाली क्लासेस में हम बाइनोमियल थ्योरम भी इंक्लूड कर लेंगे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको भी ले लेंगे। और आपस ये है कि लेक्चर आने से पहले पुराने जो भी हमने पढ़ रखा उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइए, और नेक्स्ट क्लासेस में थोड़े थोड़े प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम आपको दिया करेंगे एज ए होमवर्क, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सीख रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सीख जो पढ़ा है जो सीखा उसको कितना अप्लाई करना जानते हो ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।